नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाली गतिविधियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्वालियर जिले से। स्वच्छता में ग्वालियर को अव्वल लाने और इसके प्रति लोगों में जागृति लाने के मकसद से हाल ही में मैराथन का आयोजन किया गया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी और इको ग्रीन कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आप दौड़ेंगे ग्वालियर दौड़ेगा मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। स्वच्छता में ग्वालियर को अव्वल लाने और इसके प्रति लोगों में जागृति लाने के मकसद से शनिवार को ग्वालियर में मैराथन का आयोजन किया गया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी और इको ग्रीन कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आप दौड़ेंगे ग्वालियर दौड़ेगा मैराथन बाल भवन से प्रारंभ हुई। मैराथन को केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महापौर विवेक नारायण शिजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर को स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे अंक लाने के लिए ही नहीं बल्कि ग्वालियर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागृति लाने के लिए आयोजित ये मैराथन एक सराहनीय प्रयास है। ये दौड़ हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के कार्य में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। पुरुष वर्ग की 11 किलोमीटर की मैराथन में दीपक चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र दूसरे व कुलदीप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 6 किलोमीटर की महिला वर्ग की मैराथन मंजू यादव ने जीती। उमा राजपूत ने दूसरा और अंजलि तोमर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालकों की 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की 6 किलोमीटर की मैराथन में मोनू पाल प्रथम, विनीत कुमार द्वितीय व रविशेखर तृतीय स्थान पर रहे। बालिकाओं की 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में अर्पिता शर्मा ने बाजी मारी। रोशनी तिवारी दूसरे और शुभी चौहान तीसरे स्थान पर रहीं। सीनियर सिटीजन वर्ग में चंद्रभान सिंह तोमर ने पहला, अब्दुल आरिफ ने दूसरा और आर एस बघेल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। देवास से शिवपुरी के बीच बनने वाले नेशनल हाईवे नंबर 3 पर शाजापुर में जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाने की वजह से अटके बाईपास निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। देवास से शिवपुरी के बीच 3,533 करोड़ रुपए की लागत से 332.46 किलोमीटर लंबाई वाले नेशनल हाईवे नंबर 3 पर शाजापुर में जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण अटके बाईपास निर्माण को अब पंख लगने लगे हैं। बाईपास फोर लेन निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया है। यदि इसी गति से बाईपास फोर लेन का निर्माण चला तो आने वाले बारिश के सीजन से पहले बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। इस बाईपास बनने से शाजापुर को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। शाजापुर मक्सी का बाईपास बनने से शहरी क्षेत्र पर पड़ने वाला यातायात का दबाव कम हो जाएगा। बड़े शहरों का सफर आसान हो जाएगा। दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम होने की संभावना है। साथ ही परिवहन के संसाधनों में इजाफा होगा। इसके साथ ही शहर से जुड़े क्षेत्र में नए उद्योग की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर। हमारे गुना जिले के संवाददाता ने बताया है कि लोगों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाधान एक दिन योजना का गुना जिला मुख्यालय में शुभारंभ हुआ। लोगों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई समाधान एक दिन योजना का गुना जिला मुख्यालय में आज शुभारंभ हुआ। लोक सेवा केंद्रों से 14 विभाग जिनमें श्रम विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों से संबंधित 45 सेवाओं से लोग अब लाभान्वित हो सकेंगे। गुना जिला मुख्यालय के लोक सेवा केंद्र में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को सुबह 9:30 से 1:30 बजे के मध्य आवेदन करना होगा, जिसके बाद उसी दिन लोगों को आवेदित सेवा का लाभ मिल सकेगा। जिले में कुल 7 लोक सेवा केंद्र हैं। जिला मुख्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र पर संभावित परेशानियों को दूर करने के बाद अन्य लोक सेवा केंद्रों पर भी इसे लागू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। उधर सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से कार्य हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। अब तक जिले में इस योजना का 87% लक्ष्य अर्जित कर प्रदेश में 8वें पायदान पर है। कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर केदार सिंह इस योजना की कुशल मॉनिटरिंग कर कार्य की गुणवत्ता और पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास निर्माण की किस्त जारी करवा रहे हैं। जिले में अब तक धारित लक्ष्य 12,747 के विरुद्ध अब तक 11,050 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिले के आस्टा ब्लॉक में धारित लक्ष्य 3,722 के विरुद्ध 2,858, सीहोर ब्लॉक में 2,400 के विरुद्ध 2,063, बुद्धि ब्लॉक में 2,191 के विरुद्ध 1,919, इछावर ब्लॉक में 2,051 के विरुद्ध 1,832 तथा नरसुल्लगंज ब्लॉक में 2,783 के विरुद्ध 2,378 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण बेहतर गुणवत्ता और उचित मार्गदर्शन में पूर्ण किए जा चुके हैं। इन निर्माणाधीन आवासों का अवलोकन और लोकार्पण स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह बुधनी में तथा सांसद आलोक संजर सीहोर ब्लॉक में कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। रायसेन जिले की बाड़ी में आयोजित महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के साथ यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हमारे रायसेन संवाददाता। प्रदेश के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा रायसेन जिले के बाड़ी तहसील मुख्यालय पर दो दिनी बारना महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा सहित कई कवियों ने अपने काव्य का पाठ किया। बारना महोत्सव के दूसरे दिन फिल्मी गीतों के प्रख्यात गायक नितिन मुकेश ने अपनी सुमधुर आवाज से समा बांध दिया। दोनों ही दिन प्रदेश के संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। रायसेन जिले में संस्कृति विभाग द्वारा जिले में 4 महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर में शिवरात्रि पर भोजपुर उत्सव, पर्यटन स्थल एवं बौद्ध तीर्थ सांची में संबोधि महोत्सव, बारना नदी तट पर बारना उत्सव एवं ओबेदुल्लागंज महोत्सव शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। हमारे शहडोल संवाददाता बता रहे हैं कि शहडोल जिले में बैगा जनजाति के विकास और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से सटे विचारपुर गाँव को बैगा मॉडल गाँव बनाया जा रहा है। शहडोल जिले के विचारपुर गांव को बैगा जनजाति के लिए मॉडल गांव बनाया जाएगा। बैगा विकास अभिग्रहण के अधिकारी इस दिशा में काम शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का एक दल विचारपुर गांव में पहुंचकर बैगाओं की समस्याओं और उनकी जरूरतों की जानकारी ली है। गांव के प्रत्येक घर का सर्वे किया जा रहा है। उनकी जरूरतों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर पूरे गाँव को आदर्श गाँव में तब्दील किया जाएगा। कलेक्टर नरेश पाल ने बताया कि गांव में जनसंवाद किया जा रहा है, सभी वर्ग की समस्याओं को सुना जा रहा है। गांव की आवश्यकता अनुसार योजना तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। गांव में पानी की कमी को दूर करने का प्रयास जारी है। सभी घरों में शौचालय का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सौभाग्य योजना से सभी घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सड़कों की दशा सुधारने का काम जारी है। जहाँ नई सड़क बनाने की जरूरत है उसके प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। कुपोषण दूर करने के लिए गाँव में बैगा माता मुखिया को हर महीने 1,000 रुपए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैगा जनजाति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारे देवास संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन में देवास जिला किसानों का पंजीयन कराने में अव्वल आया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल के लिए इस साल किसानों के पंजीयन में देवास जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर। देवास में कलेक्टर आशीष सिंह ने सहकारी बैंक और कृषि विभाग के माध्यम से जिले भर में अभियान चलाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से जिले भर में 85,627 किसानों का पंजीयन किया गया है। इसके अलावा बैंक से लोन नहीं लेने वाले 27,000 किसानों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अऋणी किसानों में से किसी भी किसान का पंजीयन नहीं हुआ। पिछले साल प्रधानमंत्री फसल बीमा में देवास जिले में 42,000 किसानों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस वर्ष यह संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। जबलपुर जिले ने मेडिकल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुरभि। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बार फिर 4 साल की बच्ची की जन्मजात विकृति, जिसका मलद्वार और बच्चेदानी का एक ही रास्ता था, उसका शासकीय चिकित्सकों ने प्रदेश का पहला 3D लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर
जहां मासूम बच्ची को जन्मजात विकृति से निजात दिला दी है, वही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हम आपको बता दें कि इस तरह के जटिल ऑपरेशन करने की सुविधा अभी तक प्रदेश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इस तरह की जटिलतम सर्जरी देश के चुनिंदा राज्यों के महानगरों मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के निजी अस्पतालों में ही होती है, जहां इसका खर्च तकरीबन 2 लाख रुपए से अधिक आता है। जटिल सर्जरी की जानकारी देते हुए डॉक्टर विकेश अग्रवाल ने बताया कि भविष्य में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक ऑपरेशन के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी भी की जाएगी। इतना ही नहीं, हाल ही में यहाँ के चिकित्सकों की मदद से मुंबई से आए डॉक्टर दीपक डालमिया ने 4 साल की मूक बधिर मासूम का कॉकलियर इम्प्लांट कर जहाँ उसे समस्या से निजात दिलाई, वहीं उसके सपनों को पंख लगा दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। अशोकनगर के मुगावली में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यहां 24 फरवरी को मतदान होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुंगावली विधानसभा में 133 मतदान केंद्र संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 10 विशेष पुलिस बल की कंपनियां उप निर्वाचन के लिए स्वीकृत की गई हैं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद रहेंगी। सभी केंद्रों पर मतदान पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए मोबाइल टीम का भी गठन किया जा रहा है। वही निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा की गई आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 3 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें मुंगावली के रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार, बहादुरपुर थाना प्रभारी नयन वर्मा तथा जन अभियान परिषद के संयोजक शिव प्रताप भदौरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी BS जामोद ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की 7 शिकायतें आई हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। मतदान 24 फरवरी को होगा तथा मतगणना 28 फरवरी को की जाएगी। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से मैं नीरज शुक्ला। वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस में हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। यहां पर विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन जमा करने का काम जारी है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए महेंद्र सिंह यादव के नाम निर्देशन पत्र भरवाने के दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा की ओर से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने अपना पर्चा दाखिल किया। आज भाजपा प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र भरवाने के दौरान बदरवास से कोलारस तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, सांसद प्रभात झा, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण हो चुका है। इस प्रशिक्षण में मतदान से संबंधित जानकारी तो दी गई, साथ ही बीपी बैच के बारे में भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस बार शिवपुरी जिले में पहली बार किसी चुनाव में बीपी पैड का उपयोग हो रहा है। कोलारस में 24 फरवरी को मतदान होना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। उधर सतना जिले के संवाददाता ईवे बिल को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सतना जिले में टैक्स जमा करने की नई व्यवस्था ईवे बिल के बारे में संबंधित व्यवसायिक कारोबारियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए 28 जनवरी को सतना के बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन एवं वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ईवे बिल के तहत प्रावधानित कर जमा किए जाने के तौर तरीकों और इससे शासन और कारोबारियों को होने वाले फायदों को विस्तार से बताया गया, जिसमें व्यवसायियों द्वारा www.ebaybill.nic.in पर लॉग इन करके अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से भी जमा कर सकेंगे। ईबे बिल 50,000 रूपए से ज्यादा के सामान पर लागू होगा। यह टैक्स रजिस्टर्ड व्यापारी से लिया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा उपस्थित व्यापारियों द्वारा ईबे बिल को लेकर किए गए सवालों और आशंकाओं का समाधान भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर
दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन समीर वर्मा एवं संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।